हर हर गंगे दोस्तों, आप सबका माई टॉपसी टर्वी लैंड में स्वागत है। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ भारत माता मंदिर और माँ वैष्णो देवी के मंदिर। इस वीडियो में मैं डे टू को कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था माँ मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर के बारे में, तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। दोस्तों, ये है भारत माता मंदिर और इसकी ऊंचाई 180 फीट है और यह 8 मंजिला का है। यह मंदिर सप्त सरोवर क्षेत्र अर्थात सप्त ऋषि आश्रम के पास स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने की थी। भारत माता के मंदिर उन सभी देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों को भी समर्पित है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था। आप जब मंदिर के मेन गेट से अंदर जाओगे तो आपको लेफ्ट साइड में शू स्टॉल दिखेंगे, जहां आप अपने शूज या सैंडल रख सकते हो और जिसके चार्जेस हैं ओनली 2 रुपये और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। दोस्तों, इस पवित्र स्थल की प्रत्येक मंजिल विभिन्न देवी देवताओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। यहाँ वैसे तो एंट्री के कोई चार्ज नहीं है, लेकिन दूसरी मंजिल से 8वीं मंजिल तक अगर आप लिफ्ट से जाते हो तो आपको 5 रुपये के टोकन लेने पड़ेंगे और अगर आप सीढ़ियों से जा रहे हो तो इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर के पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति और एक बड़ा नक्शा स्थापित है। आप पहले यहाँ भारत माता के दर्शन कर फिर लिफ्ट से अगर जाते हो तो आपको 7वीं मंजिल पर लिफ्ट छोड़ेगी। और अब हम आ गए हैं 7वीं मंजिल पर। 7वीं मंजिल भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की एक प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंजिल पर आप भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को देख सकेंगे। आपको 8वीं मंजिल के लिए सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा। 8वीं और अंतिम मंजिल भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ हिमालय पर्वत पर बैठी हुई प्रतिमा है। दोस्तों, 8वीं मंजिल प्रकृति प्रेमी और आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों के लिए एक उपहार से समान है, क्योंकि यहाँ शिव का मंदिर है और यहाँ से हिमालय, हरिद्वार एवं सप्त सरोवर के सुंदर दृश्यों को देखा जा सकता है। इसके बाद हम सीढ़ियों से उतर के 6ठी मंजिल पर जाते हैं। 6ठी मंजिल को शक्ति के रूप में जाना जाता है। यहाँ देवी सरस्वती, देवी दुर्गा, देवी पार्वती आदि की पूजा होती है। यहाँ देवी शक्ति के विभिन्न अवतार स्थापित हैं। इसके बाद हम आते हैं 5वीं मंजिल पर।
दोस्तों, पांचवी मंजिल पर कई भगवान और साथ में महान पुरुषों की पेंटिंग है। यहाँ कई अनोखी पेंटिंग भी मौजूद है। इस मंजिल पर विभिन्न धर्मों, इतिहास एवं भारत के विभिन्न भागों की सुंदरता को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ हर स्टेट के पेंटिंग है, जिसमें उस स्टेट के संस्कृति को दिखाई गई है। अब हम आते हैं चौथी मंजिल पे। दोस्तों, चौथी मंजिल को भी मातृ मंदिर कहा जाता है, लेकिन इस मंजिल पर कबीरदास, गौतम बुद्ध, तुलसीदास और श्री साईं बाबा जैसे महान पुरुषों की मूर्तियां हैं। ये मंजिल महान भारतीय संतों को समर्पित है। अब हम आते हैं तीसरी मंजिल पर। तीसरी मंजिल को मातृ मंदिर कहा जाता है, जहां मीराबाई, सावित्री और कुछ महान महिलाओं की मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल भारत के स्त्री शक्ति को समर्पित है। अब हम आते हैं दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल को सूर मंजिल कहा जाता है, जहां झांसी की रानी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि की मूर्तियां स्थापित है। दोस्तों, ये मंजिल भारत के सूर वीरों को समर्पित है। दोस्तों, भारत माता में दर्शन करने के बाद हम आ गए माँ वैष्णो देवी मंदिर, जो कि भारत माता मंदिर के कुछ ही दूरी पर है। दोस्तों, ये मंदिर जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर की नकल है। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन यह मंदिर भारत का दूसरा सबसे देखा जाने वाला मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि देवी शक्ति की दाहिनी भुजा स्वर्ग से यहाँ गिरी थी। इस मंदिर में जाने का रास्ता सुरंग और गुफाओं से होकर जाता है। यहाँ खड़ी सीढ़ियाँ और सुरंग के माध्यम से जाकर ही भक्तों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ ताता की प्रतिमा के साथ भगवान कृष्ण, राम, लखन, सीता, बजरंग बली, गणेश महाराज, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, संत रविदास समेत शिवलिंग भी स्थापित है। आपको माता के दर्शन के लिए इस तरह के बने हुए कई गुफाओं से अंदर जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं तो आपसे यही बोलूंगी कि अगर आप हरिद्वार आते हो तो ये सब जगह आना ना भूलें। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ विभिन्न प्रकार के शिवलिंग स्थापित हैं। माता के दरबार में जाने के लिए रास्ते में आपको जगह जगह पर एरो बनाए हुए मिलेंगे, जिससे आपको माता के दरबार तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी।
आपको रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देंगे और कई देवी देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर बने हुए मिलेंगे। इस मंदिर को बहुत अच्छे से बनाया गया है ताकि श्रद्धालु को यहाँ आकर अच्छा लगे। वैसे तो इस मंदिर को वैष्णो माता मंदिर जैसे ही बनाने की कोशिश की गई है, उतनी बड़ी तो ये मंदिर या यहाँ की गुफा नहीं है, मगर छोटी सी जगह में ही आपको वैष्णो मंदिर जैसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ आने के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे आप वैष्णो देवी माँ के ही दर्शन कर रहे हो। यहाँ से आप हलवा खरीद सकते हो वैष्णो माँ को प्रसाद चढ़ाने के लिए, जो आपको सिर्फ 20 रुपए में मिल जाएंगे। अब हम उस गुफा के पास पहुंच चुके थे जहां प्रवेश करने के लिए हम उतनी दूर से चल रहे थे। यही वो गुफा है जो माता वैष्णो माँ के दर्शन के लिए जाती है। इस दिव्य मंदिर में 3 देवियां विराजमान हैं, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। यह माना जाता है कि असुर महिषासुर को मारने के लिए तीनों देवियों ने वैष्णो देवी का रूप लिया था। पूरे पत्थर के जैसे ही आकार देकर इस गुफा को बनाया गया है। आप यहाँ माता के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ वीडियो या फोटो लेना मना था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप घर बैठे ही माता के दर्शन कर सको। जय माता दी। और माता के दरबार से बाहर निकलने के बाद आपको कई तरह के देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, और जिन लोगों ने भी मेरी हरिद्वार की इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट आपको दे सकूं सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। इस मंदिर के एक और मुख्य स्थान है जहां बहुत सारे देवी देवता और शिवलिंग स्थापित है। यहां राधा कृष्ण, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, काली माँ, दुर्गा माँ और शिवलिंग जैसे कई मूर्तियाँ स्थापित हैं। इस मंदिर का एक ये भी मुख्य स्थान है, यहाँ भी आप जरूर आए। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे सकूं इन दो मंदिरों के। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में इन दो जगहों की पूरी जानकारी आपको देने की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो जरूर सब्सक्राइब कर दें।